महाबली। दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी बलबली, देखो मैं हो चली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Hey guys, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है, आज हम कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करेंगे। आजकल ये रील्स बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और इस पर व्यूज भी अच्छे खासे मिलियंस में आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो को क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियो के भी वायरल होने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो इस टाइप की अमेजिंग रील्स को क्रिएट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक है कैपकट ऐप और एक है वीपीएन। कैपकट ऐप आपको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से नहीं मिलेगा, आपको सिंपली इसको गूगल से डाउनलोड करना होगा। और वीपीएन ऐप आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अपना वीपीएन पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। सो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपना कैपकट वाला ऐप ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली प्लस का आइकन पर टैप करना है। देन आपको यहाँ पर अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक हनुमान जी की क्लिप को यहाँ पर ऐड करना होगा। इस क्लिप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डोंट वरी। सो आपको क्या करना है, उस क्लिप को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी एक से दो फोटो ऐड करनी है। फोटो ऐड इसलिए करनी है ताकि इस पर एक 3D जूम वाला इफेक्ट आ सके, अदरवाइज़ यहाँ पर आप अपनी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर फोटो ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं हमारी यहाँ पर वीडियो ऐड हो चुकी है और यहाँ पर हमारी सारी जितनी भी क्लिप्स हैं हमने ऐड कर ली है। बट आप देख सकते हैं हमारी जो ये फोटो है ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटी आ चुकी है, हमको इसको बड़ा करना होगा फुल स्क्रीन के साइज़ का। उसके लिए सिंपली यहाँ पर फोटो पर टैप करना है और यहाँ पर अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको अपनी फुल स्क्रीन के साइज़ का कर लेना है। सेम मैं यहाँ पर इस दूसरी फोटो के साथ भी कर लेता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी फोटोज को ऐड कर लिया है और अपनी वीडियो क्लिप्स को भी ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस रील्स का ओरिजिनल साउंड यहाँ पर ऐड करना है। उसके लिए सिंपली यहाँ पर ऐड ऑडियो पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक साउंड वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही डाउनलोड करेंगे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज़ करना है उसे और सिंपली यहाँ पर टैप करना है एक्सपोर्ट सॉन्ग ओनली। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ उस वीडियो का साउंड ऐड होगा, वो वीडियो ऐड नहीं होगी। सो अब हमें क्या करना है, अपनी जो वीडियो क्लिप है फर्स्ट वाली उसको अपने साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। सो हमने अपनी वीडियो क्लिप की लेंथ को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, इसकी लेंथ हमने रखी है 3.7 सेकंड तक। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, अपनी जो दोनों फोटोज़ है उस पर आ जाना है और यहाँ पर फोटोज़ पर टैप करके यहाँ पर राइट स्वाइप करके स्टाइल पर टैप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल अवेलेबल हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पर से जो लास्ट सेकंड वाला है 3D जूम प्रो उस पर टैप करना है और ये यहाँ पर जनरेट होने लग जाएगा। हमको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि अप्लाई होता है हमारी वीडियो क्लिप में, एंड देन सिंपली इसको ओके कर लेना है। सेम इफेक्ट हमको यहाँ पर अपनी सेकंड वाली फ़ोटो में भी ऐड करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अपने जो दोनों फोटोज़ हैं उसकी लेंथ को थोड़ा सा यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे ताकि जो हमारी वीडियो है वो और ज़्यादा एक्टिव लगे। सो हमने यहाँ पर अपनी जो दोनों फोटोज़ हैं उसको अपनी साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में एक छोटी सी वीडियो क्लिप फिर से ऐड करनी है। आप यहाँ पर फोटो भी ऐड कर सकते हैं और सेम वाला इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्लस का टाइप करता हूँ और यहाँ पर से फिर से वीडियो को ऐड कर लेता हूँ एक। सो हमने यहाँ पर अपनी जो वीडियो क्लिप है उसको ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। हमने अपनी जो फोटो है उसमें भी 3D इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंगली इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपनी जो फर्स्ट वाली क्लिप है उसमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड कर लिया है। देन हमें क्या करना है, सिंपली स्टाइल पर टैप करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे फॉन्ट अवेलेबल है, मैं सिंपली ये बोल्ड वाला टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल है, स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाउंड्री लगा सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं, शेडो कर सकते हैं। तो मैं सिंपली शेडो पर क्लिक करता हूँ, इसकी शेडो को हम ब्लैक कर लेंगे, ठीक है, और इसकी जो ब्लर की कैपेसिटी है इसको ओके कर लेंगे, फुल कर लेंगे। देन यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, आप इनमें से कोई सा यूज़ कर सकते हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। सो मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ।
आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, आप एनिमेशन लगा सकते हैं, बबल क्रिएट कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी जो टेक्स्ट है उसमें। मुझे कुछ नहीं ऐड करना है तो मैं सिंपली ओके कर लेता हूँ, और जो हमारा टेक्स्ट है उसको अपनी फर्स्ट वाली क्लिप के अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट कर लेना है। देन मैं सिंपली इसको यहाँ पर नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, एक सिंपल सी या फिर यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। सो हमारी वीडियो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको सिंपली इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। हमारी वीडियो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको अपनी गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप में ऑप्शन आ रहे हैं एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन के लिए सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर से अपना रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो ऊपर से एक एरो आ रहा है उस पर टैप करना है, तो जो हमारी वीडियो है हमारी गैलरी में सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस वीडियो को क्रिएट करूँ तो आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।